की बार मोदी सरकार, अब की बार जो लोग टैक्स चोरी करना चाहते थे उनके लिए लगता है, कोई से कोई महंगाई कोई फर्क नहीं है। गरीबों के मकान बनवा दिए, ढाई ढाई लाख रुपए दे दिया, मोदी गवर्नमेंट ने किसको दिया है मुझे बताओ ना, एक आध का नाम बता दो उसने दिया। घंटे में पहुँचते थे, आज हम 40 मिनट में दिल्ली पहुँच जाते हैं। पेट्रोल अगर महंगा तो पेट्रोल के पैसे बच्चे की जो महंगाई कहता है कि महंगाई है, वहाँ पर लाइन लगी रहती है, 100 रुपए का पौवा ये खाना टेकना जो पीने पाने वहाँ लगे रहते हैं। करोड़ करोड़ रुपए की माला है कलम दिन पे पहनाई जा रही है, वो गरीब आदमी है। अखिलेश जी का बिजनेस बताओ, अखिलेश जी का बिजनेस बताओ, बताइए कौन सा बिजनेस, अरबों रुपए की संपत्ति है। फिलहाल हम पहुँचे हैं एक लहंगे की शॉप पर जो गोल मार्केट की फेमस शॉप है, और जानते हैं यहाँ पे जो दुकान के ऑनर उनका क्या कहना है। तो पहले अपना नाम बताइएगा, क्या लग रहा है चुनावी माहौल, क्या लग रहा है? चुनाव हापुड़ का 3 जगह में बटा हुआ है, जो मुस्लिम समाज है वो सपा की तरफ जा रहा है, जो हापुड़ के अंदर दलित समाज है वो अपनी मायावती बुआ जी को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, और उम्मीद है कि मोनू भाई को सीट मिल गई है, यहाँ का टिकट मिल गया, उनके पिता धर्मपाल जी का बहुत बड़ा हापुड़ में योगदान है, तो उम्मीद है कि मोनू जी भी सीट निकाल सकते हैं ऐसी कोई बात। लेकिन मोदी जी की आजकल मोदी और योगी छाए पड़े हैं टीवी चैनल में, काशी और अयोध्या में उन्होंने जो विकास किया है उसको देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि वो कमल का फूल काफ़ी अच्छी स्थिति में आ सकता है। बीजेपी जो अपना हिंदुत्व का मसला लेकर चलती है, और शहर में भी उन्होंने काफ़ी विकास किया है, ऐसी बात नहीं है। प्रफुल्ल भाई अपने चेयरमैन साहब बीजेपी के थे, उन्होंने हापुड़ में काफ़ी विकास कार्य कराए हैं, और उम्मीद है कि टक्कर बराबर की रहेगी। और किसमें रहेगी बराबर की टक्कर? देखिए अब मोनू जी खड़े हो चुके हैं, मैं चाह हो सकता है कि बसपा और बीजेपी में अच्छा रहेगा। अभी तक मुस्लिम समाज का आपस में डिस्कस चल रहा है कि वो सपा की तरफ जाना चाहते हैं या मोनू की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन धर्मपाल जी का मुस्लिम समाज में अच्छा योगदान रहा पहले, तो सीट टक्कर की रहेगी हापुड़ के अंदर। अच्छा। अब देखो बाकी आगे समझते हैं। अच्छा, आप किसे देना चाहेंगे अपनी वोट? देखिए मैं अपनी वोट बीजेपी को देना चाहूँगा। अच्छा, तो आप किससे, उनके जो विकास कार्य हैं यहाँ के विधायक के मोदी जी, उससे पूरी तरह से सहमत हैं? जी सहमत है या नहीं, लेकिन यह है कि बीजेपी की छवि जैसे कोरोना काल में रहा तो उन्होंने बहुत अच्छा योगी जी का योगदान रहा, और देखिए जो हमारे बिजनेसमैन की मेन बात है, हम चाहते हैं कि योगी जी आए, योगी जी ने काफ़ी विकास कार्य कराया और आगे भी भविष्य में हम उनसे उम्मीद रखना चाहते हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं महंगाई हो रहा है, कुछ व्यापारी का मिलता है वो कहता है GST से बहुत परेशान नजर आता है। ऐसा कुछ नहीं है जी, जो लोग टैक्स चोरी करना चाहते थे उनके लिए लगता है, कोई से कोई महंगाई कोई फर्क नहीं है। आमदनी का बहुत तरीके हैं व्यापार में, आज एक मजूरी वाला 1,000 रुपये रोज कमा के जाता है, ये वो लोग हैं जो कहते हैं महंगाई है, वो लोग काम से वो लोग हैं जो काम नहीं करना चाहते। अगर आप अच्छा पूरे चौपड़े मजदूर लेकर जाएंगे वो भी 500 रुपये से कम नहीं लेता, छोटे छोटा काम भी रिक्शे वाला भी 1,500 रुपये कमा के जाता है। ये तो लोगों की एक बस है कि महंगाई है महंगाई है महंगाई है, तो महंगाई के साथ साथ कमाई भी बहुत बढ़ी है। अच्छा, आपकी तो इनके कपड़े की शॉप है, लेकिन और अभी 1 जनवरी से आ रहा है कि GST 5% के बजाय 12% लगने वाली है। देखिए इससे फर्क पड़ेगा जी, लेकिन हम क्या हमारा क्या, अगर कोई हमारी 1,000 रुपये की चीज़ आई है हम 120 रुपये टैक्स लेंगे तो वो 1,120 की पड़ेगी, हमने 1,120 रुपये के हिसाब से काम करेंगे, ये तो पब्लिक के पड़ता है, ऐसे कोई इसमें कोई बात नहीं। तो आपको नहीं लगता कि गरीब जनता का इसके ऊपर असर पड़ेगा? इस समय कोई गरीब नहीं है, ये केवल कहने की बातें हैं कि गरीब है, गरीब गरीबी वो लोग हैं जो काम नहीं करना चाहते, व्यापार करना काम करना बहुत है मार्केट में, काम करें तो कोई गरीबी नहीं है। तो आपकी नज़र में महंगाई बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है? बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन बेरोजगारी उन लोगों के लिए जो काम नहीं करना चाहते, कुछ भी काम करे, कोई भी बंदा फ्रूट का भी ठेला लगा ले तो 500 रुपये कमा के जा सकते। लेकिन जो स्टूडेंट है जब हम जाते हैं तो वो बताते हैं कि हमें नौकरी पढ़ने मतलब पढ़ने के बाद भी आश्वासन नहीं मिलता कि नौकरी मिलेगी या नहीं। ऐसा कुछ नहीं है जी, पढ़ाई के बाद जितनी नौकरियाँ गवर्नमेंट निकालती है निकलती रहती है, वैकेंसी ऐसा तो नहीं है कि बेरोजगारी कोई आज की है, जब यहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, कोई हमारे यहाँ कोई एक रूपरेखा तैयार नहीं है,
पब्लिक का रुझान बढ़ता जा रहा है। पहले हम दो हमारे दो होते थे, अब किसी के चार बच्चे हैं, किसी के छः बच्चे हैं। पब्लिक का ज़्यादा बढ़ना भी एक बेरोजगारी का कारण है। बीआर बांगा। अच्छा, क्या लग रहा है, कौन आएगा? बीजेपी आएगी, योगी और मोदी जिंदाबाद। क्यों लग रहा है योगी और मोदी आएंगे? सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, कौन सा काम घड़िया घड़िया, राम जी को ले आए, कृष्ण जी को ला रहे हैं। अच्छा। और क्या चाहिए? कोई नहीं है ना, कोई महंगाई बेरोजगारी, ये तो खाम खा के अफवाह बना रखी है ना। काहे की बेरोजगार? सब्जी तो 20 रुपए, सब्जी 20 रुपए, हर सब्जी 20 रुपए किलो। बताओ कौन सा चाहिए? बैंगन 20 रुपए, मेथी आज है, टमाटर अभी एक, ये तो उनके राज में 200 रुपए किलो भी किया बीजेपी का। तो वो भी सस्ता हो जाएगा, ऐसी बात हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा जब योगी मोदी दोबारा आएंगे। पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, कोई भी महंगा नहीं है। क्यों चलाते हैं लोग गाड़ी फालतू? एक कार में एक आदमी होता है तो हमारी कमी है ना, एक कार में एक आदमी। ट्रैफिक जाम क्यों होता है? हमारी 5 सीटर है, एक एक आदमी जा रहा है, तो कमी किसकी है? पेट्रोल ज़्यादा खर्च होता है और क्या, अगर एक लाख भी जाएगा एक सवारी जाएगी। आपको लगता है पेट्रोल डीजल महंगा होने से गाड़ी से की वजह से फर्क पड़ेगा क्या? सब्जी और सारी चीज़ों पर फर्क सबसे पड़ता है, मगर उत्पादन के हिसाब से ना, जो गवर्नमेंट जो उत्पादन कर रही है, किसान कर रहा है। अब किसान के जो ऊपर से मार हो जाए तो उसमें क्या करेगा मौसम विभाग? किसान क्या पेट्रोल डीजल का तालमेल? पेट्रोल डीजल का तालमेल नहीं है, पेट्रोल डीजल तो यूँ बढ़ रहे हैं कि ये जो खर्चे हो रहे हैं, ये जो हाईवे बन रहे हैं, कहाँ से निकले हाईवे? और बनाएगी? इतना कभी विकास हुआ है 70 सालों में? कभी इतना विकास हुआ बताओ मुझे? क्या क्या विकास? क्या हुआ? सड़कें सारी बन गई, सारे बड़े बड़े वो बन गए, सड़कें बन गई, पुल बन गए, और क्या चाहिए? अब देखो जो हम 1.5 घंटे में पहुंचते थे, आज हम 40 मिनट में दिल्ली पहुंच जाते हैं। पेट्रोल अगर महंगा तो पेट्रोल के पैसे बच्चे नहीं बचे, 40-50 मिनट पहुंच जाते हैं। पहले 2.5 घंटे लगते थे जब यहाँ जाओ, पहले लगते 2.5 घंटे, 40-50 मिनट लगते, ज़्यादा नहीं लगते। सारा हाईवे बना हुआ बढ़िया, उतना पेट्रोल महंगा है तो उतना कम लग रहा है, लग भी तो कम रहा है। आपको लग रहा है सब जगह मतलब पेट्रोल बढ़ने तो कोई नुकसान नहीं? कोई नुकसान नहीं किसी को, ये तो विपक्ष की पार्टियां फैलाती हैं, कुछ नहीं, उनके टाइम पे भी हालत थी। आज क्या सरकार के हाथ में कहते हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रही है, तो जो जॉब ऐसा है युवाओं को रोजगार मिल रहा है ऐसा कुछ नहीं है, कहाँ नहीं मिला बताइए, हम किसको नहीं मिला जो काम है? सरकारी नौकरी जब खुलेंगी तो मिलेंगी, अभी पुलिस की भर्ती हुई थी, खुले थे क्या नहीं, अब खुलेंगे। अभी कोई मुझे बदलाव है नहीं, ये तो उनके पास गवर्नमेंट के पास है। क्या खो जाता है? एग्जाम पेपर लीक हो जाता है। ये तो भाई मिली भगत, ये तो शुरू से भ्रष्टाचार चला रहा, भ्रष्टाचार पे काबू पाना 70 साल के वाले को 7 साल में कैसे पा लेगी गवर्नमेंट? सारा भ्रष्ट भरा पड़ा है, उस भ्रष्टाचार को खत्म करने में गवर्नमेंट लगी हुई है, समय लगेगा। एक आदमी अपने हर बच्चे नहीं पाल सकते, मोदी योगी पूरा साबुन पाल रहे हैं, पूरा देश पाल रहे हैं, कहाँ तक जाए भ्रष्टाचार बड़ा वाल लोगों रिश्वत लेके काम होते थे, अब वो मैं कहता हूँ पहले रिश्वत लेके काम होते थे वो ही चला आ रहा है, थोड़ा कम होगा, पकड़ा झगड़ी हो रही है, बिल्कुल क्यों नहीं हुआ, धीरे हुआ। हाँ और बताओ क्या पूछना चाहते हैं आप? ये कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि योगी मोदी की सरकार है, इससे जो देश के सेवा करने वाले हैं ना, जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, 70 सालों में लोगों ने खजाने खाली कर दिए, सोने की चिड़िया को रंग की चिड़िया बना दिया, बताइए आप सब जो भी लूट के ले गए, इस बात की जानकारी नहीं है, इस बात नेताओं को जानकारी, बाकी खजाने खाली कर दिए थे। अब तो विश्व में नंबर वन हरा है हमारा देश, सब चीज़ों में, खेलों में, क्या प्रगति में, क्या सब में नंबर वन हो रहा है। अब भाई इतने नंबर वन हो पाएगा? बेरोजगारी तो धीरे धीरे दूर होगी 7 साल में, 70 साल वाली 7 साल में तो नहीं बोले बड़ा मोदी सरकार बनी है, भुखमरी तो रहेगी रहेगी, जो काम नहीं करेंगे भुखमरी रहेगी, कामों की कमी थोड़ी है, जो भुखमरी करने वाले हैं भुखमरी करें, काम करो पैसा लो, दिक्कत थोड़ी है। आपको लग रहा है लोग काम करने नहीं चाह रहे हैं अपना? हाँ बिल्कुल यही हाल है, घर बैठे पैसे मिल रहे होंगे बस, और क्या चाहिए, गवर्नमेंट ही दे रही होगी। चुनाव की चर्चा है, देखो जी महंगाई वो भी बर्दाश्त कर रहे हैं लोग, और कोरोना से जो हमारा देश सबसे पहले बचा है बिल्कुल नील कर दिया था, वो भी इनके हाथ में,
कोरोना जो पेशेंट कम हुए हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा है, पहले हिंदुस्तान में कम। कितनी वैक्सीन लग गई, वैक्सीन पर जोर दिया गया गवर्नमेंट का, कितनी वैक्सीन लगा दी उन्होंने और क्या। लेकिन कोरोना काल में तो लाशें भी जब बताई गई हैं, बहुत सारी लाशें जो ना तो हमने देखी ना हमने सुनी, ये तो मीडिया वालों का काम है पूछना और बताना। भाई देखो जी, इसका कोई हिसाब नहीं है कैसे लाशें बहाई गई या बहाई गई, ये तो समय के अनुसार सब चल। और क्या लोकल विधायक है, हाँ बिल्कुल सहमत है, सही है, सारे काम सही कर रहे हैं। हमारे यहाँ के चेयरमैन बहुत बढ़िया है, प्रफुल्ल साथ साथ उन्होंने बहुत काम किए हैं। देखो जी पहले के मुकाबले बहुत अच्छे काम, जो पहले काम होते थे सारी सड़कें और पानी की व्यवस्था सब पूरी हो, टाइम टाइम पे इन्होंने सैनिटाइजर भी करे हैं, सारे काम बढ़िया। पार्टी आने वाली है, पार्टी से अभी इलेक्शन है 2022 में विधानसभा चुनाव, तो आपको क्या लग रहा है उसमें किसकी आवाज़ आ रही है? आप बताइए बीजेपी के अलावा कौन आने की है? मैं मेरा काम पूछता है बताना नहीं, बीजेपी के अलावा कोई नहीं आएगी। अच्छा लग रहा है बीजेपी आएगी, बीजेपी सारे काम अच्छे होंगे, क्या काम बेकार है बताएंगे, एक बेकार करो तो बस कोई ऐसा चलो, ये काम गलत हो रहा है, लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, सब बेकार की बात है। महंगाई तो लोगों ने बढ़ा रखी है, पहले घर में एक मोबाइल एक फोन होता था, लैंडलाइन फोन होता था, अब सबके पास तो मोबाइल है, सबके पास डाटे है, महंगाई तो अपने आप है, वो महंगाई नहीं लगती। कुछ नहीं है मैडम, महंगाई कुछ भी नहीं है, इतनी कोई खास महंगाई नहीं है। अच्छा सब्जियां भी महंगी हो गई है काफी, तो सब टाइम 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 बढ़ती रहती है सब चीज़ें, ये सब चीज़ें तो टाइम टाइम बढ़ती रहती है, वो कोई इशू नहीं है ऐसा। आपको लग रहा है विकास भरपूर हो रहा है? बहुत विकास हो रहा है हमारे देश में, इसके अलावा और कोई पार्टी सारी पार्टी एक साथ मिल जाए वो भी कुछ नहीं कर सकती, हम तो नहीं आ रहा। बेरोजगारी क्या ऐसा है कि मोदी जी के आने के बाद सारी चीजें एक ही दिन में या एक साल में नहीं, उसमें टाइम लगता है, वेट करना पड़ता है। क्या क्या किया है आज? आज हमारा कोई काम ऐसा नहीं है कि जो हमारा काम लगता है किसी भी चीज का, सब काम आप नाम बताइएगा। कमल कमल मित्तल। अच्छा आप बताइए सुनील सुनील पटेल। अच्छा आपको क्या लग रहा है, सहमत है? बिल्कुल 100% सहमत है, कोई ऐसा काम ही नहीं है जिसको हमें लगे कि हाँ ये नहीं कर सकते या ना किया आने वाले टाइम में, जो काम 70 साल से नहीं हुआ मेरे ख्याल से 8 साल के अंदर। मुझे तो एक काम आप ये बता दो, ये गलत हुआ है या इस सरकार के अंदर कोई ऐसा काम गलत हो रहा है? कुछ भी नहीं है, महंगाई जो है खाली बंदे के लिए महंगाई, जो कुछ करना नहीं चाहता उसके लिए महंगाई है, जो महंगाई कहता है कि महंगाई है वहाँ पर लाइन लगी रहती है, जो 100 रुपये का पौवा ये फलाना ढीकना जो पीने पाने वहाँ लगे रहते हैं, काम करना नहीं तो मुद्दा ये महंगाई है। पढ़ने वाले को मिल रही है, मेहनत करनी पड़े, कुछ भी नहीं है, जो अगर थोड़ा करता रहेगा मेहनत एक बार करके छोड़ दिया फिर उस गाँव में लग गए, गलत गाँव में गलत चक्र में चोरी चकारी में लग गए, उनका तो कहना नहीं, बाकी जो मेहनत करेगा उसे मिलेगा 100% मिलेगा। वही है करने वाले भी वही है, 100% वही है, और कोई नहीं है जिन्हें आप अल्पसंख्यक पर कह रहे हैं, जिस काम को करने वाले और किसी वास्ते नहीं है। तो मतलब जो सही बात होगी वही होता है, कुछ काम करे जाते हैं तभी बिना उसके लिए किसी भी आदमी उनको मार देना चाहिए, नहीं मारना नहीं चाहिए जो है, लेकिन अगर कुछ गलत करा है जान बुझ करके कर रहे हैं, एक ही बात को बार बार करा जा रहा है तो सही भी है उसका, कोई क्या है इसमें, ये गलती एक बार होगी और बार बार कहा जा रहा है समझाया जा रहा है कि इस काम को नहीं करना और करना है तो किस लिए करना है, लाभ तो यही लाभ होता है कोई भी, एक ही बार तो होगा जो बार बार करा जा रहा है उसका, तो यही इलाज है, लास्ट इलाज ये होता है जो मैं भी नहीं चाहता हूँ लेकिन है ये। लेकिन
क्या मार दे उन्हें, मतलब वो मार क्यों दे, लेकिन एक बार को बार बार करे जाओगे, बार बार करे जाओगे तो क्या इलाज है? और जानबूझ के करा जा रहा है कि हाँ ये चीज करनी है मैंने, उसका क्या इलाज है? आप ये बताओ, जो आप ये कहना चाह रहे हैं मैं कह रहा हूँ, हाँ, जो आप नहीं कहना चाह रहे और मेरे मुंह से कलवाना चाह रहे, आप फिर क्या बताओ? मैं कहूँगा कौन मारा कौन मर रहा है, कोई भी हो, एक बार अगर गलत साथ एक बार होगा, दो बार होगा, तीन बार होगा, चौथी बार होगा, उसका यही इलाज है बाकी मोदी जी के ऊपर कोई नहीं है ना है। आज का क्या ये समझना की हमारे देश का सौभाग्य है मोदी जी का, ये सारी बातें तो आपका पूछना चलो अगर ये ना हो आपको, यही लास्ट है बस, इनके अलावा कोई नहीं है, ये जब चले जाएंगे तब आप पूछना कि क्या होता है, ये बताते बताते चल जाएंगे, ये परेशानी है, अब कुछ भी नहीं है, लोग कभी भी काफी परेशान हैं, वो जो है जो नहीं करना चाहते वो परेशानी आएंगे, हाँ जो मेहनत करेगा उसको 100% मिलेगा। आपने देखा कि सबसे ज्यादा मजे में कौन सा किसान बेकार की बात है, जो बिल्कुल हमारी हल्का किसान है उसको खूब घर मिल रही है, और नाम के किसान है गुप्पा लगाऊंगा कि हाँ किसान है वो खूब मजे ले रहे हैं तबियत से, और वो तो भूख खत्म होती नहीं है किसी की, क्या करें, थोड़ा बहुत राजी करना पड़ेगा ना, कि बात राजी रखना पड़ेगा, लोगों को परेशान हो रही है, परेशानी हो रही है, बस काम करके बैठे चलो ठीक है, बस फायदा तो उसने था कि ना मान लेंगे लेकिन कहाँ तक करा जाए, किसको कहाँ तक समझाओगे, डिसीजन चेंज करना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है में रहते हैं कोई आज बात करें कि ऐसा होना परिवार वाले ना माने तो हमें चेंज कोई गवर्नमेंट किस वजह से माने गए की बातें मनाने के लिए गवर्नमेंट ने 700 लोगों की जान किस तरह से गवर्नमेंट ने कुछ अत्याचार कार्रवाई पुलिसिंग कार्रवाई मनाने की कोशिश कर रही थी, सरकार मान नहीं रही थी, मरने की क्या वजह आई है ठंड में मोदी नहीं, ठंड में मोदी ने गई थी कि सड़क पे बैठ जाओ, ठंड में बैठे अपनी मर्जी से जो बात जाएगी, सरकार तो और बात बना रही, कौन सी ने बना रही, सारा काम किसानों को चाहिए और किसी के लिए चाहिए ही ना, आप मुझे बताओ किसानों को रास्ता भी मिल रहा, भत्ता भी मिल रहा, सब चीज मिल रही है, ये बताओ आम आदमी को क्या मिल रहा, जो उसके अंदर किसान हर चीज किसान है, तो ये बताओ किसान के अलावा और कोई नहीं दिख रहा, वो है जो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है पूरे मैंडेट के साथ आई थी, उसके बाद भी झुक गई फिर किसानों के आगे, झुकने नहीं गई, झुकने के तो घर पे अगर एक बच्चा इंगेज़ होंगे और माँ बाप के खिलाफ चलने लगे, धरना मिला तो क्या करते, थोड़ी निकालेंगे ले लेते हैं, फिर उससे हटते नहीं है, तो पहली बार हुआ है 7 साल में कि गवर्नमेंट ने कोई बात मानी हो, मतलब थोड़ा झुक गए हो, दब गए हो, या जो भी कहा जाए कॉम्प्रोमाइज कर लिया हो, नहीं कॉम्प्रोमाइज तो दबाव से ही तो होता है, बिगर दबाव के कॉम्प्रोमाइज कैसे हो जाएगा, अगर आप मैं अपने घर में हूँ, अगर मैं बेटों के खिलाफ चलूंगा और बेटे मुझ पे दबाव डालेंगे तो मुझे तो झुकना ही पड़ेगा, तो वही हालात उन्होंने किसान वालों ने बना दिए और किसने बना दिए बताओ, ये बताइए योगी ने क्या ना करा, सबसे ज्यादा योगी मोदी ने काम करा, किसी ने नहीं करा, मुझे बताओ आप, भत्ता चाहिए सबसे पहले, नाज चाहिए तो फ्री चाहिए, दुनिया भर की लोन मिल रहे हैं, वोट उनके लिए नहीं है, वोट अखिलेश के लिए है, हाँ सब मुक्ता उसका रहे, राशन मिल रहा, सब कुछ फ्री मिल रहा, उसका कोई ऐतराज नहीं है, सारी कुछ आज तक मिला किसके राज्य में मुझे बताओ, 8 महीने हो गए देते देते, पहली बार मिला है, अभी पहले नहीं, इससे पहले बताओ मुझे किसने दिया नाम बताओ ना, अभी एक राज्य बिगर पैसों का किसने दिया है ये बताइए आप, बिगर राशन कार्ड के कोरोना की वजह से नहीं, कोरोना अब तो कोरोना ना है जो मिल रहा है, और आगे तक के लिए और कह दिया,
चुनाव अब चुनाव की वजह ये तो आते जाते रहेंगे, क्या बात है, चुनाव हर 5 साल बाद कोई आज नहीं तोड़े जाते हैं। चुनाव की वजह से तो लोगों का कहना है कि सरकार झुकी इसलिए है कि उसे वोट मिल रहा है, राशन तो सरकार झुकी मोदी जी की जगह एक नाम बता दीजिए कि ये बंदा इस जगह इस सीट पर बैठने लायक है। मुझे एक बंदा आपको कैसे कहा जुड़े विधानसभा का मैं सबसे बड़ा चुनाव है, सब बताओ इससे ज्यादा विधानसभा की सीट कौन सी है, 403 सीटों का चुनाव है, सब ये बताओ मुझे। लोग घरों में बैठे योगी के जितने भी गांवों के दौरे करे कोरोना टाइम में, अखिलेश क्यों ना गए, अपने पास क्या आदमी, बहन जी क्यों ना गई, अब क्यों निकल गए, बिगड़ सत्ता वाला क्या कर रहा है, इससे पहले मान्यता ना है उसकी जिम्मेदारी, पहले जिम्मेदारी तो उसी की अखिलेश की भी है, आज संविधान जिम्मेदारी क्यों दिखा रही है, नहीं कही एक आध मतलब उन्होंने कहीं जाने का बांटने का नहीं, कहाँ पे गए एक आध आदमी, एक आदमी का नाम बता दूंगा वहाँ पे, अंतिम संस्कार हुए तो इतनी जबरदस्त पिटने आ गई, उसमें आदमी क्या करेगा घर के, एक साथ इतने सारे कांड का हो जाए कांड, अब यू जो भर जावे तो आदमी क्या करेगा, ये तो पिटले ही है, कहना कवर करा, इसे कवर कितना करा, ये देखो आप ये बताओ के बस की नीति कवर करना, करी नहीं करी, जितनी कोरोना टाइम में गाँव गाँव घूम रहे होगी जी, बताओ कौन सा नेता घूमा, अपनी संपत्ति देखो ना, ये बताओ इसमें तो कपड़े भी ना, दो कपड़े एक पहनले एक धोले, एक पहनले एक धोले में, और ये बताओ और मैं बताओ अखिलेश जी के बाद बताओ, ये बताओ स्टार्टिंग होती है कैसे, ये बताओ दो कपड़े उनके बेचारे जितनी गायों की सेवा वो कर रहा, गरीब आदमियों की सेवा वो कर रहा, राशन पानी वो दे रहा, गरीबों के मकान बनवा दिए, 2.5 लाख रुपया दे दिया, कौनसी गवर्नमेंट ने किसको दिया है मुझे बताओ ना, एक आदमी का नाम बता दो उसने दिया, सबके लिए है, आप मुझे बताओ ना उसमें क्या बात है, गवर्नमेंट कोई सी बताओ 1 रुपया फ्री कर लेते, फ्री तो होने जरूरत कैसे, जरूरतमंद क्या है, जो घर पे बैठे लोग तो घर पे बैठने के देंगे क्या, जरूरतमंद का मतलब क्या है कि वो तो एक निठल्ले बना दो, लोगों के पास काम नहीं थे, लॉकडाउन नहीं कैसे काम नहीं है ये बताओ आप मुझे, कोरोना काल में सब कुछ काम नहीं, 200 रुपए का पौआ खरीदने को तो काम है, शराब फेंकेगी हटाई, जब गवर्नमेंट जब नीचे को जा रही है लोगों को, जो 200 रुपए का पौआ है वो 500 रुपए का बिक रहा, उसे तो खरीद रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने सोची 500 में जा रहे हैं 200 का तुम भी बेचो ना, अभी क्यों बोल रहे हो, नहीं बेचना चाहिए, क्यों नहीं बेचना चाहिए, फिर गवर्नमेंट कहाँ से आ जाएगी, कुछ जो अरब खरबों रुपए के वैक्सीन वगैरह ये लग रही है, किसी ने पैसा दिया आज तक, एक आदमी नाम बताओ आप मुझे, कह रहे ना कि उनको फ्री में राशन, हम जो जरूरत पड़ है चलो वो पौवा जो भी शराब ले रहे हैं, वो तो घर का मेन आदमी हो गया, आप उनके जो पति मेन आदमी हो गए, मेन आदमी कैसे हो गया जी घर का, तो अगर ज्यादातर शराब पीने वाले हैं हमारे देश में वो जेंट्स माने जाते हैं, तो उनकी जो पत्नी हो गई बच्चे हो गए तो उन्हें नहीं देना चाहिए, गवर्नमेंट कर रही है नहीं कर रही है, जो घर में फ्री में नहीं देना, राशन की बात है, राशन गवर्नमेंट में फ्री दे रही है ना दे रही है, आप ये बताओ तो क्या चीज है, अब दो चीज और बात, फ्री का मतलब चने भी मिलेंगे टीवी भी मिल जाएगा, सारे कहे फ्री का मतलब क्या है, बिजली बत्ती समझ, ये बताओ कोई चीज फ्री की काटी, राशन का जिनमें आम आदमी के लिए ये वाली गवर्नमेंट राहुल गांधी का वो कहते होंगे कुछ भी, हम तो राहुल गांधी का बात बात ही समझ में आती, क्या करनी चाहिए नाम ऐसा लेने जाता राहुल गांधी, हम तो है ही फेमस, जो क्या है क्या काम गलत कर रहे हैं आप बताइए, दुनिया भर का टैक्स वो दे रहे हैं, कौन सा काम चोरी डकैती है, गवर्नमेंट के ऊपर चल रही है, तो मैं कहना की बात क्या है, पूरा हिंदुस्तान जा रहा है, बिजनेस तो कर रहे हैं आप, कर लो आपको कोई योगी मना कर रहा है, ये योगी मना कर रहा है, आप टैक्स दो ना, उसमें क्या परेशानी है, सरकार है दो लोगों को, आज भी रिलायंस का यहाँ पेट्रोल पंप लगा हुआ है, हम 6 किलोमीटर दूर से जाते हैं वहीं से पेट्रोल डलवाते हैं, क्योंकि विश्वास है कि वहाँ पे हेरा फेरी का काम नहीं है, अंबानी का काम ये है बस, इसमें क्या बात है, बिजनेसमैन है, कौन सा काम गलत कर रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं, चोरी डकैती कर रहे हैं, कोई काम बता दीजिए, यहाँ पे और भी लोग हैं उनसे जाना चाहते हैं, आपको क्या लग रहा है कौन सी पार्टी आने वाली है, मैडम यहाँ पे
बसपा आने वाली है। महिलाएं इतनी कर दी है बीजेपी वालों ने, गरीब आदमी तोड़ दिया। कहने तो ये अपनी राय देंगे, हम अपनी राय देंगे। अच्छा, तो आपको लगता है महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है? हाँ जी। तो यूपी में आने वाली है या हापुड़ में? हापुड़ में तो आनी आनी है। यूपी में मुद्दा है, पहले विरोध की सलाह आपने यहाँ पहले विरोध की सलाह 50 रुपए लेते थे। अरे महंगाई का मुद्दा क्या है? पहले विरोध की सलाह 50 रुपए की, अब 400 रुपए ले रहे हैं, 1000 रुपए ले रहे हैं, 1400 रुपए ले रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? गाय की महंगाई है। आप मुझे बताओ, उनकी तुम्हारी आमदनी बढ़ गई? आदमी कह रहे हैं क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। अबे कैसे महंगा हो गया मुझे बता दो। पहले तनखा मिलती थी 2000 रुपए, अब मिला 40000 रुपए। उसकी हिसाब को लगाओ ना, कहाँ महंगा हो गया मुझे बताऊ ना। उसका तो हिसाब कोई लगाता नहीं है। महंगा हो गया जी, कहाँ महंगा हो गया भैया बता दो। पहले 2000 रुपए बनता था। मैडम क्या कह रहे हैं? कहाँ नहीं है ये बताइए। महंगाई का बदलाव क्या है? राशन पे महंगाई नहीं है, ट्रेलर पे महंगाई नहीं है, पेट्रोल पे महंगाई नहीं है, कहाँ महंगाई नहीं है बताइए। एक आम आदमी है 10000 रुपए महीना कमा रहा, और उसका वजन जब आएगा तो वो कहाँ से चलाएगा आम आदमी? अच्छा बताइए, ऐसे नहीं है कि हर आदमी अमीर है यहाँ पे वो खर्चा चला लेगा, नहीं चला पाएगा। कहाँ बढ़ी है आमदनी? एक आम आदमी की 400 रुपए है, आज भी लगा लीजिए, मजदूर आदमी की 400 रुपए है। क्या 1000 रुपए कमा रहा मजदूर? नहीं कमा रहा, 400 रुपए कमा रहा। तो बताइए, जब महंगाई डबल होगी तो क्या है? पहले मजदूर क्या ले भैया जी मजदूरी? 60 रुपए, 200 रुपए। क्या बात करो, कितने ले भैया? 400 रुपए हो गई, 400 रुपए तो गई। हिसाब से बताओ, जो तो है 6000 की नौकरी कर रहा, 2 करोड़ को गुजारा कर रहा। मान लो कोई किसी काम में गलत चक्रों में गलत नौकरों में डाल के वो आ रहे पैसे जो है, अब गाली दे रहे हैं कि हाँ जी जो है महंगाई बढ़ रही है और ये बढ़ रही है। गरीब आदमी तो 6000 में भी गुजारा करता है, ज्यादा कोई जब राशन तेल सब फ्री मिलने आया है तो उसने गुजारा करने को चाहिए क्या? वो अभी हमेशा ना मिलेगा, उस हिसाब से काम करेगा वो, उसमें क्या बात है? और वो 400 रुपए कमा के भी 200 रुपए के क्वार्टर पी रहा, वो कहाँ से पी रहा भाई? वो बच्चों के लिए सोच रहा है, वो तो अपने लिए सोच रहा है, वो अपने लिए सोच रहा है, बोले बताओ अपने लिए सोच रहा। आप ये तो खैर अपनी अपनी राय है, जो भाई ये कहना चाहते हैं वो उसकी बात सही है, जहाँ मेरी बात तो अपनी जगह सही है। अभी नहीं लगता है 200 रुपए का क्वार्टर पी रहा है, 200 रुपए का क्वार्टर, वो एक अपने बच्चों का गला घोटने वाला काम हो रहा है। आप देखते हो सीधी सी बात है, 12000 रुपए का खर्चा नहीं चलेगा, ये तो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है महंगाई का है। आज हम जब चुनावी कवरेज करने के लिए निकले थे तो हमारा ये था कि इस जो चुनाव है वो किस मुद्दे पे लड़ा जाएगा, तो आपको लग रहा है वो महंगाई पे लड़ा जाएगा? अच्छा, लेकिन योगी मोदी सरकार दावे करती है शानदार करने दो। एक बात बताइए, मतलब बीजेपी वालों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई? उनपे क्या नोट नहीं है नंबर दो के काला धन उनपे नहीं है क्या? बताइए एक भी नाम बता दीजिए मुझे। सीधी सी बात, अपने लोगों को अपना सीधा निकालते हैं। अब जैसे अखिलेश यादव ने कुछ कहा उनके प्रति, अब उनपे बिठा दी गरीब आदमी अखिलेश यादव की बैंकी के लिए 1 करोड़ रुपए की माला जन्मदिन पे पहनाई जा रही है, वो गरीब आदमी है। अखिलेश जी का बिजनेस बताओ, कौन सा बिजनेस है? 1 करोड़ रुपए की संपत्ति है, एक बिजनेस बताओ, क्या बिजनेस है? अरे जितने भी बाहुबली है सब अखिलेश की पार्टी में है। मोदी जी को ले लो, मोदी जी बताओ संपत्ति उनकी गिनवा, महाराज जी की गिनवा लो, योगी जी गिनवा, संपत्ति के आज की डेट में बताओ के नाम ले जा रही है, एक का नाम बताओ ना, इन्होंने वहाँ कोठी बना ली, वहाँ बना दी, ये बताओ एक जने का नाम बता दो हमें, इन्होंने वहाँ कोठी बनाई है जी, इन्होंने यहाँ वो कराई है। 20 साल मोदी कोई हराने वाला पैदा नहीं। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार
मोदी सरकार। ये कितने भी गुंडे निकल लो, कुछ नहीं होगा मोदी और योगी। आएगा मोदी, हाँ मोदी बताइए अब योगी। हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ और इनके आसपास जिले की खबर देखने के लिए हापुड़ हलचल को आज ही सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9045203378। की चर्चा और बाकी और भी मुद्दों के लिए और भी चर्चा जारी रखेंगे। हापुड़ शहर के लिए इन तमाम खबरों से रूबरू कराने के लिए देखते रहिए हापुड़ हलचल।